नमस्कार, मैं हूं मदनलाल। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। श्रीगंगानगर जिले की गढ़साना मंडी में सैकड़ों व्यापारी धानक वर्ग तोला वर्ग में मिलकर कृषि जींस सरसों गेहूं जो चना की सरकारी खरीद पर 2% आर्द्र ई रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की मांग को लेकर के नायब तहसीलदार के मार्फत में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सभी वर्गों ने मिलकर पूरी मंडी में राजस्थान सरकार व भाजपा सरकार के मुर्दाबाद वसुंधरा राजे मुर्दाबाद के नारे लगाए व चारों ओर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। वहीं दूसरी तरफ धानक समाज यूनियन के अध्यक्ष शशि लुगरिया ने बताया कि हम 3000 के करीब मजदूर परमानेंट काम करते हैं, कृषि मंडी ने हमारे लाइसेंस जारी नहीं किए, हमको सरकारी वस्तुओं का लाभ नहीं मिलता। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आज पूरे गंगानगर जिले की मंडियां बंद हैं। इस मांग को मनवाने के लिए और मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल का गंगानगर जिले का दौरा है, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमारे को मिलने का टाइम तक नहीं दिया गया, क्योंकि टाइम देने से हमारी मांग से रूबरू होना पड़ता है, हमारी मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चताना चाहते हैं कि हमारी मांग को तुरंत प्रभाव से मान लो, अन्यथा पूरी मंडियों के दुकानों के ताले लगाकर राज्य सरकार को चाबियां सौंप देंगे और पूरे इस आंदोलन को पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा। हमारी मांगे ये हैं सर, जितने भी यहाँ पे मजदूर हैं, 2500-3000 मजदूर यहाँ पे परमानेंट काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि कृषि उपज मंडी उनके लाइसेंस जारी करे ताकि उन्हें जो सरकारी सुविधा है वो आगे से आगे मिलती रहे। कितने समय से लाइसेंस जारी नहीं हो रहे? ये 2-3 महीने से नहीं हो रहे हैं जी। तो इसके लिए आपने को क्या मार्च क्लोजिंग की वजह से इनको टाइम भी नहीं है और कुछ हमारे लाइसेंस में कुछ कमियाँ, जैसे व्यापारी का जो एफिडेविट नहीं था उसकी वजह से रुका हुआ था काम, अब वो हम पूरा करके इनको कंप्लीट करके देंगे। अब हमारे मजदूरों को अब आपको क्या आश्वासन दिया इन्होंने? अभी इन्होंने ये कहा है अभी जितने भी लाइसेंस बाकी हैं उनके फॉर्म वगैरह तैयार करवा के ले आओ और उन्हें हम कंप्लीट करके ऑनलाइन चढ़ा के आपके लाइसेंस तैयार करवा देंगे।